जशपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने जमीन दिलाने के नाम पर साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र कर फर्जी दस्तावेज बनाकर कुल 87,60,000 रुपए का ठगी करने वाला महाठग अंकित ताम्रकर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी अंकित ताम्रकर गिरफ्तारी के भय से ईंट भट्टा में छुपा हुआ था। पुलिस ने आरोपी अंकित ताम्रकर के कब्जे से ठगी की रकम से खरीदा गया टोयोटा गलांजा कार को जब्त कर लिया है। प्रार्थी कमलेश जैन ने आरोपी अंकित ताम्रकार के खिलाफ भूमि का सौदा की बात को लेकर लाखों रुपए लेकर धोखाधड़ी कर ठगी करने की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने बताया कि अंकित ताम्रकार शातिर किस्म का ठग है। पूर्व में इसके विरुद्ध थाना कुनकुरी में भी ठगी का मामला दर्ज किया गया है। इस प्रकरण के अन्य फरार आरोपियों की पतासाजी हेतु टीम को लगाया गया है, उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रार्थी कमलेश जैन के द्वारा थाना जसपुर में आरोपी अंकित ताम्रकार के खिलाफ एक शिकायत दिया गया, जिसके तहत उसने जमीन के खरीद बिक्री के मामले में धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उसकी जांच की गई और जांच में प्रथम दृष्टया पाया गया कि इसने 86 लाख रुपये एक जमीन फर्जी तरीके से दिखाकर और मनबोध में तो जिसका जमीन का मालिक था उसके परिवार के अन्य लोगों को फर्जी तरीके से सामने खड़ा करके प्रार्थी को इसने उसके साथ ठगी किया, धोखाधड़ी किया और इस तरीके से इस कृत्य में इसके अन्य साथी भी शामिल थे। इनके खिलाफ जसपुर में 420, 467, 468, 471 का मामला पंजीबद्ध किया गया और इसके पास से एक गाड़ी और अन्य सामग्री जब्त किया गया है और इसके साथियों की तलाश की जा रही है। इसके बारे में जो पूर्व रिकॉर्ड देखा गया तो थाना कुनकुरी में भी इसके खिलाफ में नकली सोने को असली बताकर ठगी करने का आरोप था। इस मामले में भी इसे जेल भेजा जा चुका है, जेल भेजा जा चुका है। इस तरीके से ठगी का आरोपी है और इसे पुलिस इसकी काफ़ी दिनों से तलाश कर रही थी। इसे आज गिरफ्तार करके इसे रिमांड पर भेजा जाए।